हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल मधु किचन में आपका स्वागत है। मैं आज लेके आई हूँ मोमोज रेसिपी, वो भी पनीर वाला, और इसे बहुत ही आसान तरीक़े से मैंने बनाया है। ये ऊपर से बहुत सॉफ्ट और अंदर से जूसीला होता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसे चलनी से चाल लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइन तेल मैल देने के लिए लिया है। और फिर इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे इस तरीक़ा से। तो आटे को मैंने गूँथ लिया है और इसे साइड में रख देंगे। तो मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है और 1 बड़ी सी प्याज कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च कट करके इसमें डाल देंगे। और फिर हम 5-6 लहसुन का जावा कट करके इस तरीके से डाल देंगे। फिर 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच गोल मरीच पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा अजवाइन इसे क्रश करके डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करके रख देंगे और इसे आटे को पूड़ी की तरह इस तरीक़े से बना लेंगे, बेल लेंगे पूड़ी की तरह और फिर स्टफिंग इसमें भरेंगे। तो मोमोज का शेप मैं 2 तरीक़ा से इसमें बताने वाली हूँ। तो पहला इस तरीक़ा से, ये देखिए, ऐसे करके इसको इस तरीक़े से बना लेंगे। और फिर ये मैंने दूसरा तरीका बताया है, इसको ऐसे फिर ऐसे करके इसको इस तरीक़े से लास्ट में ऐसे बना लेंगे। और मैंने सारे मोमोज का शेप दे देकर इस तरीक़े से मैंने बना लिया है। और फिर ऐसे स्टीम करने वाले थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे चारों तरफ इस तरीक़े से फैला देंगे। फिर इसमें मोमोज रख के, सारे मोमोज इसमें रख देंगे। और फिर मैंने 1/2 गिलास एक पतीला में पानी पहले ही से गर्म कर दिया था और उसके ऊपर इसको रख के पर थाली से ढक देंगे और कोई भी भारी चीज़ उस पर रख देंगे। मैंने इसे रखा है और इसे 15-16 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, पक के मोमोज रेडी हो गया है। तो फिर इसको एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीक़े से निकाल लिया है मैंने। फिर जो बचा हुआ है उससे फिर उसी तरह स्टीम करने के लिए उसे उसमें रख देंगे। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने यहाँ पे इसको भी स्टीम कर लिया है। ये रेसिपी ऐसा है कि आप रात में बना के रख दें और सुबह में स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे मोमोज बनाकर रेडी कर लिया है और इसे गर्मा गर्म रेड चटनी के साथ सर्व करें। तो ये देखिए बना है ना, बिल्कुल ठेले पे जो घुमा के मार्केट में बेचता है सब, उसके जैसा बिल्कुल। ये बहुत ही आसान तरीक़े से मैंने इसे बनाया है, लग रहा है ना बाजारों जैसा। आप भी अपने घर पे ज़रूर इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं। फिर मैं न्यू रेसिपी के साथ आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।